मैं इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके और आप अपने चैनल के लिए भी इस तरह का जीके जीएस वाली वीडियो बना सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडटेक मित्रा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, इस स्लाइड को कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है नया इस तरह का वीडियो बनाना सीखना स्टार्ट करेंगे। ये सही आंसर इसका डी है और ये ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ और इस तरह से आप, मैंने 10 स्लाइड बनाए थे जिसमें से मैंने आपको कुछ जो है प्ले करके आपको दिखाया, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप आसानी से इस तरह के टेम्पलेट बना पाएंगे। और दोस्तों, इसकी एक खास बात और है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 टेम्पलेट लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अब और लेना है तो यहाँ पे बस हम लोग क्लिक करते जाएंगे और इस तरह से ये टेम्पलेट आ जाएगा और यहाँ पे बस जो है कॉपी पेस्ट कर देना है क्वेश्चन को, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट का बनाए यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप करते या आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए और यहाँ से चारों ऑप्शन आप जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे और जो सही आंसर है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे बस। और ये सभी कुछ आपका जो है कभी भी चेंजिंग इसमें नहीं होगा, सिर्फ इसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप इस टेम्पलेट को बना करके एक बार आप जो है सेव करके आप कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप में सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं रख लेता हूँ और जब भी आप इसे यूज करेंगे जो आपने टेम्पलेट बना के रखा है, जैसे कि ये हमारा बन गया है, तो इसकी एक आप कॉपी बना लेंगे, ठीक है। कॉपी बना ले करके आप इस तरह से पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप जो है क्या करेंगे, इस तरह से आप ओपन कर लेंगे स्लाइड को। और स्लाइड को ओपन होने के बाद दोस्तों अब जो है इसमें और आप किसी एक स्लाइड पे क्लिक करेंगे, ऑल स्लाइड कंट्रोल ए से ऑल स्लाइड सेलेक्ट करेंगे और ऊपर की स्लाइड को आप जो है कंट्रोल दबा करके क्लिक कर देंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी स्लाइड आप जो है इस तरह से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद दोस्तों आप जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये नया स्लाइड आ जाएगा और ऊपर वाले को भी है आप इस तरह से डिलीट कर देंगे और फिर यहाँ से आप जो है नया अपना वीडियो बना पाएंगे। इस तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें ऐड करना है, 10, 20, 30, 100, 150 जितना भी, इस तरह से करते कर देंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट बस करते जाएंगे सभी स्लाइड में और आप आसानी से जीके जीएस वाली वीडियो बना पाएंगे। दोस्तों, आप इस तरह के टेम्पलेट एक बार अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम में बना लेते हैं या आप कैफे में बैठ करके बना लेंगे या कहीं पे भी बना लेंगे तो फिर आप इसे डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में रख लेते हैं तो मोबाइल से भी इसमें सिर्फ जो है आपको कॉपी पेस्ट करना होगा, टेक्स्ट सिर्फ ऐड करना है और टेक्स्ट ऐड करके फिर आप इसे जो है मोबाइल में अगर पावर पॉइंट की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे भी आप इस तरह के वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह के टेम्पलेट कैसे बनाते बनाना सीखना शुरू करते हैं। और यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ से ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे, ठीक है, और ऊपर वाले स्लाइड को आप डिलीट कर देंगे। स्लाइड लेने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्लाइड मास्टर, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद नीचे में जो भी चीज़ें लिखा हुआ है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। माउस से इसे जो है ऐसे ड्रैग करके इसे सेलेक्ट कर लेना है और डिलीट की को प्रेस करके इसे डिलीट कर लेना है। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो भी चीज़ें आप ध्यान रहे कि आप जो भी चीज़ें आप इंसर्ट कराएंगे तो यहीं से कराएंगे, ठीक है, यहाँ से, जिसका नाम है इंसर्ट प्लेस होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे से हम लोग जो है सभी चीज़ें ऐड कराएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिर्फ हम लोग जो है टैक्स इंसर्ट कराएंगे, टैक्स पे क्लिक करेंगे और इस तरह से जो है एक टैक्स बॉक्स इसमें डाल देंगे। बीच में क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट की को प्रेस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद यहाँ से इसकी जो है बुलेट्स नन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे बुलेट्स है इसे नन कर देंगे और यहाँ से जो है मिडिल रखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट लिखने के लिए ये आपने किया है, ठीक है। और यहाँ से आपको यहाँ से मिडिल कर लेना है, ओके, ये हो गया। चलिए अब हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे, स्लाइड मास्टर टैब में आएंगे,
और यहाँ से फिर से जो है टेक्स्ट बॉक्स ही इंसर्ट करा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, बीच में क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कीजिए और इसे आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको होम में जाना है और फिर वही करना है, इसमें बुलेट जो था नन कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप कर दीजिए। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख लेना है टाइप योर क्वेश्चन हियर। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। चलिए ये आपने लिख लिया, अब आपको क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन देंगे। यहाँ पे एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे ऐड एनिमेशन है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे अपीयर का। ठीक है, अपीयर एनिमेशन दे देंगे। फिर से दोस्तों हम लोग क्लिक करें, ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और इस बार हम लोग जो एनिमेशन देंगे वो देंगे ब्रश कलर, यहाँ पे क्लिक कर लें ताकि टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनिमेशन को चेक करेंगे, हमने क्या एनिमेशन दिया और कब ये एनिमेशन होना चाहिए, ये सारा कुछ। तो दोस्तों ये सारा कुछ सेटिंग करने के लिए आपको इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ऊपर वाले को आपको क्या रखना है, विथ प्रीवियस, और नीचे वाले को दोस्तों आपको रखना है आफ्टर प्रीवियस। यह ध्यान में रहना चाहिए, ऊपर वाले एनिमेशन ये जो ग्रीन वाला है इस पर क्लिक करें विथ प्रीवियस, और नीचे वाले को रखिए आफ्टर प्रीवियस। और इसमें आप थोड़ा सा डिले दे सकते हैं, जैसे कि आप इसमें 1 सेकेंड का डिले दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है कि इसकी जो है थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस फॉन्ट को सेलेक्ट कीजिए और होम में जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट कलर हम लोग ले लेते हैं कोई सा भी। ठीक है, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तो इस बार मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्काई ब्लू कलर। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे ये जो हमारा है एनिमेशन जो हमारा है येलो कलर वाला, यहाँ पे हम लोग आएंगे और इफेक्ट ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में ये जो कलर आपको दिखेगा यहाँ से आपको कलर चेंज कर लेना है। तो यहाँ से कलर हम लोग जो है मोर कलर में जाएंगे, स्टैंडर्ड में जाएंगे और यहाँ से आपको जो भी ठीक लगे आप लगा सकते हैं। तो मैं स्काई कलर से इसे मैं रेड कलर का या ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ से आपको क्या करना है, एनिमेटेड टेक्स्ट ये जो डिले है इसको आपको 25% कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये एनिमेट होगा। ओके, चलिए ये आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, ये जो लाइनिंग दिख रहा है आपको, और कंट्रोल डी, याद रहे कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट बना लेनी है। यहाँ पे कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट बना लेंगे और इसकी साइज जो है हम लोग थोड़ा छोटा इस तरह से कर लेंगे, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा रहने देते हैं। और इसको क्या करेंगे हम लोग, ए इसका नाम दे देंगे ए ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करें इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, इसमें भी देखिए अपन जो है खुद ब खुद एनिमेशन लग गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे ग्रीन वाले एनिमेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर प्रीवियस कर देंगे और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर प्रीवियस करेंगे। ओके, एक बार यहाँ से प्ले ऑल करके देख लेते हैं। तो पहले ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें एनिमेट होता है इस तरह से, और फिर ये जो है ऑप्शन में ये एनिमेट होता है। ठीक है, बिल्कुल बन गया है। अब इस पर जो है इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करें और कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट बना लेंगे और यहाँ पे इसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर, और इसमें ऑप्शन ए के जगह पे आप बस बी टाइप कर दीजिए। ठीक है, और फिर से जो है हम लोग क्या करेंगे, बी की डुप्लीकेट बनाएंगे कंट्रोल डी से, और अब इस बार हम लोग जो है यहाँ पे इसको रख लेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सी। फिर इस पे हम लोग क्लिक करें, इसकी डुप्लीकेट बना लेंगे कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट, और फिर इसको हम लोग जो है यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको जो है सी के जगह पे चेंज कर देंगे डी। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है,
अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक जो है इसको मिनिमाइज कर दीजिए आप, ओके, और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। और अब जो है आपको क्या करना है कि गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों गूगल में थिंग क्वेश्चन जीफ, आपको ये लिख करके आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ और यहाँ पे इमेज में जाऊँगा। इमेज में जाने के बाद दोस्तों आपको इस तरह के एनिमेशन मिल जाएंगे, और यहाँ पे देखिए ये हमारा मिल गया है। इसे हम लोग जो है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ये वाला जो है दोस्तों हम लोग एनिमेशन डाउनलोड कर लेंगे। तो आप कोई सा भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है, या इसमें आप और भी देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग पावर पॉइंट में आएंगे और अब इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद दोस्तों पिक्चर पे क्लिक कीजिए। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने वो डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया है तो डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ से इस चीज़ को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसे इंसर्ट करा लीजिए। यहाँ पे इसे हम लोग इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी एक एनिमेशन लगाएंगे। एनिमेशन में जाएंगे और दोस्तों यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, जूम एनिमेशन लगा देते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से ये आएगा और यहाँ पे आपको रखना है ऑन क्लिक, नहीं रखना है आपको इसमें रखना है आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। अब इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा उसके लिए आपको यहाँ डी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और इसकी एक डुप्लीकेट बना लीजिए, और जो सही आंसर के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे इसे रख लेना है और इसमें ऑप्शन डी के जगह पे आपको इसमें लिख देना है करेक्ट आंसर। ये हमने लिख दिया है। अब दोस्तों एक और इसमें एनिमेशन लगाएंगे ताकि ये जो है, ठीक है, इसमें ग्रीन फील हो जाए। तो ऐड एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लेंगे फील कलर, फील कलर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये फील हो गया, अभी यहाँ पे ऑरेंज कलर हो रहा है, इसलिए दोस्तों आप इसके जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें और इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से आपको जो भी कलर देना है, मोर कलर में जाएंगे, स्टैंडर्ड में जाएंगे और यहाँ से मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ और फिर यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये ग्रीन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया है, हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल बन चुका है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और नॉर्मल में जाएंगे और ये हमारा बिल्कुल बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखिए हमारा टेम्पलेट बन गया है और इस एनिमेशन पेन को अब हम लोग क्लोज कर देते हैं। ऊपर वाला में कुछ नहीं है, इसे हम लोग डिलीट कर देंगे, इसमें है तो आप ये हमारा टेम्पलेट बन चुका है। अब इसे आप दोस्तों यहाँ पे फाइल में जाएं और इसे आप जहाँ भी चाहें आप इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, GK मैं लिख देता हूँ और इस नाम से इसे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप इसमें क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट करेंगे, इसमें ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन बी और इस तरह से सभी चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसमें मनपसंद थीम कैसे लगा सकते हैं। आपको राइट क्लिक कर लेना है और यहाँ पे मिल जाएगा फॉर्मेट बैकग्राउंड, आप इसमें क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा पिक्चर एंड टेक्सचर फिल, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मिलेगा ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको जो है दोस्तों यहाँ पे आपको टीचिंग बोर्ड लिखना है। टीचिंग बोर्ड लिख करके आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको जो है ढेर सारे बोर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसा भी बोर्ड लगाना चाहे, जैसे कि आप, मुझे ये पसंद आता है ये लगाना है तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर लूँगा। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब ये जो है हमारा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसलिए ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो आप इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी वाला आप इससे डाउनलोड करेंगे तो ये अच्छे से लगा पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, व्यू में आऊँगा और फिर से स्लाइड मास्टर में आऊँगा और इस चीज़, ये जो लगा हुआ है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और इसमें मैंने जो है पहले भी डाउनलोड करके रखा है तो वो मैं लगा लेता हूँ। डाउनलोड में जाऊँगा और इसमें आपको, तो दोस्तों आप यहाँ पे मैंने देखिए डाउनलोड करके रखा है और मैं इसे यहाँ से इंसर्ट करा लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इसकी साइज में थोड़ा सा इस तरह से इसमें रख लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब दोस्तों आपको यहाँ से भी जो है आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं सेम उसी तरह से,
और अगर आप इस तरह से आप एक बार यहाँ से अगर आप लगाते हैं तो फिर आपको हर एक स्लाइड में सेम वही थीम्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप और फिर आपको जो है बार बार ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख के टीचिंग बोर्ड और यहाँ पे एंटर कर दीजिए, और इसमें जैसे कि आपको ये लगाना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कीजिए तो ये आपका लग जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को आप यहाँ से इस तरह से भी लगा सकते हैं। और फिर से आपको व्यू में जाइए और नॉर्मल में जाइए तो आपको इस तरह से दिख जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए थीम हमने लगाया है तो ये जो हमारा लिखा हुआ टैग्स जो है इसके बाहर जा रहा है, तो आपको सही करना है। तो फिर से जब भी इसमें जो भी चेंजिंग करना होगा तो व्यू में जाकर के स्लाइड मास्टर में जाकर के और यहीं से आपको जो भी करना है यहीं से करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं और ये जो टैक्स बॉक्स है हमारा इसे हम लोग थोड़ा सा साइज थोड़ा सही कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये सब्जेक्ट वाला भी जो टैक्स बॉक्स है थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसे भी मैं सही कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ओके। और इसकी भी जो है मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, होम में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसमें येलो डाल देता हूँ। और आप यहाँ से जो है इसमें अपना फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से लगा सकते हैं, तो सभी में आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जाएंगे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपका जो भी पसंदीदा फॉन्ट हो वो आप लगा सकते हैं। तो अभी मैं इन सभी को सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं सही जगह पोजीशन पे इस तरह से रख लेता हूँ यहाँ, और इसकी साइज को मैं थोड़ा सा इस तरह से बना लेता हूँ। करेक्ट आंसर वाला को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ, और ये भी थोड़ा बाहर जा रहा है बोर्ड से तो यहाँ पे मैं इसे रख लेता हूँ और इसकी साइज भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो आप चाहे जैसा चाहें आप फॉन्ट वगैरह आप इसमें देख लीजिएगा। और व्यू में जाएंगे, अब हम लोग नॉर्मल में जाएंगे। अभी हमारा बन चुका है, अब देखिए हम जब भी क्लिक करें तो ये हमारा इस तरह से टेम्पलेट बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर जो है कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे मिनिमाइज कीजिए और फिर से आप गूगल में जाइए और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए शो आंसर का भी ऑप्शन है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आंसर भी आपको पता चल जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और जैसे मुझे ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, अल्ट टैब से मैं जो है पावर पॉइंट की स्लाइड पे जाऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल वी से इसमें ये मैं पेस्ट कर दूँगा। देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हम लोग जो है फिर इसी तरह से ऑप्शन को भी जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, अल्ट टैब प्रेस करेंगे, पावर पॉइंट में आ जाएंगे, यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। फिर अल्ट टैब से क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और फिर यहां से बी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, अल्ट टैब से पावर पॉइंट में जाएंगे और यहां पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे। फिर अल्ट टैब से क्रोम में जाएंगे और यहां से हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और यहां से हम लोग जो है इसमें पेस्ट कर लेंगे। और जो सही आंसर कौन सा है तो यहाँ पर शो आंसर पर क्लिक करेंगे तो ये आंसर सही है, इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके इसे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। देखिए ये हमारा बन गया है। अब इसे हम लोग जो है स्लाइड शो क्लिक करते हैं और यहाँ से डिस्प्ले करके देखते हैं। देखिए इस तरह से हमारा जो है ये हमारा कितना अच्छा बन गया है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने लिए जीके जीएस वाली वीडियो बना सकते हैं। देखिए सारे टेक्स्ट एनिमेट हो रहे हैं, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है, तो आप अपने पसंद से जैसा भी चाहें आप दे सकते हैं। तो भाई अगर आपका ये बैकग्राउंड ब्लू है तो इसमें आप पहले वाइट रखें और बाद में ये येलो कलर फिल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सही आंसर भी आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने चैनल के लिए जो है एडुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पे इस तरह के वीडियो मिलते रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।